गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनफ्लोक्स ओजेड टैबलेट के बारे में, जिसमें ओफ्लोक्सासिन और उनिराजोल है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो जेनफ्लोक्स ओजेड टैबलेट है वो किस किस काम आती है, कौन कौन उसे खा सकते हैं, दिन में आप कितनी टैबलेट तक खा सकते हैं और ज़्यादा खाने से हमें क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, मैं ऑलवेज आपके लिए हेल्थ रिलेटेड जब मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, ताकि जो आप कोई भी मेडिसिन खाते हो आपको उसकी नॉलेज हो कि आपने कितने दिन तक खानी है और कब तक खानी है। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। शुरू करते हैं वीडियो को। टैबलेट का नाम है जेनफ्लोक्स ओजेड, जो कि मैनकाइंड कंपनी का एक प्रोडक्ट है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसमें ओफ्लोक्सासिन 200 mg और उनिराजोल 500 mg है, जो कि एक तरह की लूज मोशन की टैबलेट है। आपका पेट खराब है, आपके पेट में मरोड़ टाइप हो रहा है, आपको बार बार लैटरिंग आ रही है, आपकी लैटरिंग में वाइट पैचेस आ रहे हैं या आपको खूनी पैचेस आ रहे हैं आपकी लैटरिंग में, आपके पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ टाइप है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप उस वक्त इस मेडिसिन को खा सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको बुखार हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, फीवर के साथ पेट दर्द हो रहा है, तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोजेस की बात करते हैं, अगर आपकी ये 6 साल से लेकर 15 साल तक है तब आप आधी आधी टैबलेट सुबह शाम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 साल से अप टू की एज वाले एक एक टैबलेट सुबह शाम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन सेफ नहीं है, तो अगर आप प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार आप अपने नियर बाय डॉक्टर से सलाह जरूर करें, अपनी मर्जी से इस मेडिसिन को ना खाएं। आपको ये मेडिसिन किसी भी नियर बाय मेडिकल स्टोर से इजिली मिल जाएगी। 10 टैबलेट की स्ट्रिप होती है। इसकी प्राइस की बात करते हैं तो 130 रुपये इसका प्राइस है। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन आप खाते हो उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है, तो साइड इफेक्ट जाने बिना आप मेडिसिन को ना खाएं। किसी किसी को मेडिसिन खाने के बाद खारिश, चक्कर या वोमिटिंग जैसा फील होता है, उस वक्त वो मेडिसिन खाना बंद कर दें। आप 1 दिन से लेकर 5 दिन तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम 5 दिन से ज़्यादा आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको जेनफ्लोक्स ओजेड टैबलेट की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब 24 घंटे के अंदर जरूर दे दूंगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।